आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की खास रेसिपी, हरे और ताज़े मटर के पराठे। इस पराठे को मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाई हूँ। पराठे तो हर कोई बनाते हैं, बट आप लोग एक बार इस मेरे तरीके को ट्राई करके देखिएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब पराठे बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को फुल वॉच नहीं करते हैं, रेसिपी को पूरा नहीं देखते हैं, तो हमारी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती है। मैं कोशिश करती हूँ मेन मेन जो पॉइंट है, जो मेन मेन स्टेप है, उसे मैं आप लोगों को बताऊं, और ज़्यादा लॉन्ग हमारी वीडियो नहीं होती है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच नहीं करते हैं, आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए तो ही रेसिपी आपको समझ में आएगी। तो आइए फ्रेंड्स, देर न करते हुए हम लोग जल्दी से देखते हैं कि ये हरे मटर के पराठे कैसे बने हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ललिता और स्वागत करती हूँ आप सबका ललिता किचन में। तो ये मैं आधा केजी गेहूं का आटा ले ली हूँ और इसमें आधा छोटी चम्मच नमक डाली हूँ, और इसमें कुछ नहीं डालेंगे। और पानी थोड़ा थोड़ा डाल करके आटा को बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम गूँथ कर तैयार करेंगे। जितनी अच्छी आटे की गुथाई होती है, उतनी ही परफेक्ट पराठे बनकर तैयार होते हैं। ये पहला स्टेप है आटा को अच्छे से गूँथना। अगर आप आटा को अच्छे से नहीं गूँथेंगे तो पराठे आपके फट जाएंगे, तो इसलिए आटा को बिल्कुल मसल मसल के गूँथना है ताकि आटा में लचीलापन आ जाए। और ये देखिए, मैं परफेक्ट आटा को गूँथ ली हूँ और एक चम्मच में डाली हूँ इसमें देसी घी। और देसी घी मिलाने के बाद इसे एक बार और मिला देंगे आटे को, और आधा घंटा के लिए आटा को रेस्ट पे रख देंगे। अब ये मैं एक मिक्सी जार ली हूँ, इसमें डाली हूँ एक चम्मच खड़ा धनिया। आप एक चम्मच सौंफ भी डाल सकते हैं इस जगह पर, बट मैं सौंफ नहीं डाली हूँ, आप डाल सकते हैं, उससे भी अच्छी पराठे में स्वाद आती है। और मैं 2 कप हरी मटर ली हूँ, इसे भी डाल देंगे और ददरा इसे पीस कर तैयार करेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल फाइन नहीं पीसना है, दरदरा ही इसे रखना है, बिल्कुल इस तरीके का होना चाहिए। अब मैं गैस ऑन कर दी हूँ और एक कढ़ाई रखी हूँ, और कढ़ाई में डालेंगे 2 बड़ी चम्मच घी। घी की जगह आप तेल भी ले सकते हैं, बट पराठे जो हैं घी में ज़्यादा ही स्वादिष्ट लगते हैं, तो आप तेल भी ले सकते हैं घी की जगह। मैं घी ली हूँ और एक बारीक कटा हुआ मैं प्याज ली हूँ, इसे डाल दूँगी। और ये 5-6 हरी मिर्च को मैं बारीक काट करके ले ली हूँ, इसे भी डाल देंगे। और थोड़ी देर के लिए प्याज मिर्ची को भून लेंगे, ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे, बस हल्का प्याज जो है सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आप एक एक स्टेप को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बनकर तैयार होती है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा। आप लोग वीडियो को बहुत स्किप करके देखते हैं और फुल वॉच नहीं करते, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी रेसिपी को आप लोग पूरा वॉच करें तो ही परफेक्ट रेसिपी बन पाएगी। तो ये देखिए, मैं 1/2 इंच अदरक को ग्रेट कर ली हूँ और इसे डालती हूँ, इसे भी भून लेंगे साथ में। अब मैं इसमें जो मटर को ददरा पीस करके ली थी उसे मिला देंगे और मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, मटर को भी डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब एक ज़रूरी पॉइंट है, मैं इस जगह पे 4 चम्मच बेसन डालूँगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग बेसन को पराठे में डाल करके देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट पराठे आपके बनेंगे और पराठे आपके फटेंगे नहीं, और स्वाद बहुत ज़्यादा दुगना हो जाएगा। तो मैं 4 चम्मच बेसन ले ली हूँ, इसे डाल दूँगी, और 1 से 1.5 चम्मच नमक, यानी स्वाद के अनुसार नमक। और बेसन और मटर को ढक करके पहले इसे मिक्स कर लेंगे, और ढक करके इसे 7 से 8 मिनट के लिए बहुत अच्छे से पकाएंगे। तो ये देखिए, बेसन और जो मटर है वो बहुत ही अच्छे से परफेक्ट पक गई है, भुन गई है। और अब मटर और बेसन को भूनने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। पहले मसाले नहीं ऐड करेंगे, पहले मटर और बेसन को अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया, धनिया पाउडर, धनिया इसमें ज़्यादा यूज़ करेंगे, धनिया पत्ता यूज़ कीजिए, धनिया खड़ा धनिया यूज़ कीजिए, धनिया पाउडर यूज़ कीजिए, तो पराठे में ज़्यादा, मटर के पराठे में बहुत ही ज़्यादा स्वाद आता है धनिया का। और 1/4 चम्मच मैं कश्मीरी लाल मिर्च ली हूँ, इसे भी डाल दूँगी, और 4 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इन सभी मसाले को डाल करके अच्छे से भून लेंगे।
चार से पाँच मिनट के लिए भूलेंगे मसाले को। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं और मसाले भी अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें मैं डाली हूँ आधा छोटी चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला डालना मत भूलिएगा और गरम मसाला लास्ट में डालिएगा। गरम मसाला डालने के बाद थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए और भूनिए, फिर गैस को ऑफ़ कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसे ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब पराठे बनाएंगे। तो ये देखिए मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दी हूँ और 2 मिनट हो गए हैं गरम मसाला डालने के बाद भून गए हैं। अब गैस को ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब 20 मिनट बाद आइए, तो ये देखिए 20 मिनट हो गए हैं और मटर का जो मैं भून के मटर को जो मैं रखी थी वो बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब पराठे को बेलेंगे, तो इतनी छोटी सी लोई लेंगे, ज़्यादा बड़ा लोई नहीं लेंगे और इसे बिल्कुल प्याली का शेप देंगे और बीच में इसे भरेंगे और गोला घुमाते हुए इस तरीके से इसे अच्छे से इसे पैक कर देंगे ताकि बिल्कुल ना फटे। और आपको पराठे दिखेंगे ही नहीं कि पराठे किधर से भरा हुआ है, इतने अच्छे से ये सील हो जाएगी, इतने अच्छे से बन जाएगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये पराठा जो है किस जगह पे भरा हुआ था। तो जो एक्स्ट्रा आटा रहेगा काट करके उसे निकाल देंगे। और पराठे को बेलने का जो है जो सबसे जो सीक्रेट तरीका है ये देखिए, आपको पराठे को बेलने टाइम बीच में जो है सेंटर पे आपको प्रेशर नहीं देना है, आपको किनारे किनारे पे बेलन को चलाना है। अगर आप किनारे किनारे पे बेलन को हल्की हाथों से चलाकर बेलेंगे तो पराठे आपके कभी नहीं फटेंगे, और अचानक से आप प्रेशर देते हुए सेंटर पे प्रेशर देते हुए पराठे को बेलेंगे तो चारों तरफ पराठे जो है फट जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लेंगे सूखे आटे में और ये देखिए किनारे किनारे हल्की हाथों से पराठे को बेलेंगे। पहले किनारे पे ज़्यादा प्रेशर देंगे, बीच में ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं तो परफेक्ट आपके पराठे बनेंगे। यकीन मानिए कोई भी कहीं से पराठे आपको फटे हुए निकलेंगे नहीं। ये देखिए कहीं भी आपको किनारे पे पराठे जो हैं फटे हुए नहीं हैं और बिल्कुल गोला पराठा बनकर तैयार हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये देखिए कहीं भी, और सारे मटर दिख भी रहे हैं लेकिन फटे हुए एक भी नहीं है। तो आइए सारे पराठे को सेम तरीके से बेल लेंगे और इसे सेकते हैं। अब मैं गैस ऑन कर दी हूँ और तवा रखी हूँ और तवा पे इस पे डालूँगी, पराठे को डालेंगे और पहले पराठे को ऐसे ही ड्राई सेक लेंगे बिना घी लगाए। पहले दोनों साइड से अच्छे से जब ये सीख जाएगा तो इसे पलट करके बाद में घी लगाएंगे। तो एक साइड से हल्का हल्का सीख गया है, अब दूसरी साइड से इसे और सीख लेंगे। जब ये सीख जाए दोनों साइड से हल्का हल्का, उसके बाद ही तेल या घी आप लगाएं। तो ये देखिए अब ये सीख गया है दोनों साइड से। अब इसके ऊपर मैं घी लगाऊंगी, आप घी या तेल जिस चीज़ में आप पराठे बनाना चाहते हैं बनाएं। तो मैं घी और तेल दोनों में बनाऊंगी, तो पहले मैं घी में बना लेती हूँ। और इस तरीके से पराठे को सेकेंगे प्रेशर देते हुए इस चमचे से, दोनों साइड से पराठे को अच्छे से सेक लेंगे। और सारे पराठे सेम प्रोसेस से बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी जो है पराठे जो है सेक कर तैयार हो गई हैं। ये देखिए सारे पराठे सेम तरीके से बना करके तैयार करेंगे। ये देखिए परफेक्ट जो हमारे पराठे हैं वो बनकर तैयार हुए हैं। फ्रेंड्स, हरे और ताज़े मटर के पराठे बनकर सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब पराठे बने हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की ये हरे मटर की पराठे बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं फिर मिलूँगी एक न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।